तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की लूप क्लास थी हमारी, और लूप क्लास में लास्ट क्लास में हमने लूप के बारे में बताया था कि फोर लूप किस तरह से वर्क करता है, फोर लूप का हम कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह। आज हम लूप में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ पार्ट मैं करूंगा, कुछ पार्ट आपको करना है। तो मेरे एक फाइल है, इस फाइल में मेरे पास काफी डेटा है जो आप देख पा रहे हैं, अलग अलग शीट्स पे डेटा है, और मुझे डेटा का टाइप बिल्कुल सेम, मतलब कि हेडिंग सेम है, डेटा टाइप सेम है, बट अलग अलग डेटा है। मतलब कि मुझे ये डेटा अलग अलग लोगों से मिला है और उन्होंने अलग अलग शीट पे डाल के मुझे दे दिया है। अब मुझे इन सारे डेटा को एक शीट पे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो एक के नीचे कॉपी पेस्ट कैसे करें? हालांकि इसको हम नॉर्मल जो हमारा डेटा कनेक्टिविटीज है इसमें फ्रॉम फाइल वाला सिस्टम उससे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो हम वीवीए के थ्रू करना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं, डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक को ऑन करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक मोड्यूल्स, और यहाँ हम दो स्क्रीन कर देते हैं ताकि साथ साथ इसका आउटपुट भी देख सके। तो डेटा शीट पे जाना है हमें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लूप अंडरस्कोर पीआर के नाम से हमने बनाया, और यहाँ देता हूं लूप की फोर आई इक्वल टू चले 1 2 जितना सीड्स है, कैसे पता चलेगा? काउंट से, उससे कम। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा शीट सबसे लास्ट में, तो एक कम लेंगे तभी तो होगा, नहीं तो पता चलेगा डेटा शीट ही कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट कर दिए। ठीक है, डेटा शीट ही इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, इसलिए एक हमने माइनस कर दिया। अब यहां हम सबसे पहले Sheet 1 में जाते हैं, यहां लिखते हैं Sheets I डॉट सेलेक्ट। क्या करेगा कि पहले शीट में आ जाएगा, जो भी नंबर है उस नंबर शीट पे आ जाएगा, पोजीशन के हिसाब से, नेम के हिसाब से नहीं, पोजीशन के हिसाब से। फिर हम यहां पे हम बोल रहे हैं कि रेंज A1 डॉट, अच्छा रेंज की स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। तो करेंट रीजन को हो गई है कॉपी, और उसके बाद हम जाएंगे शीट्स, और शीट्स के अंदर हम जाएंगे डेटा में, और यहां करेंगे डॉट सेलेक्ट, डेटा शीट को करेंगे सेलेक्ट यहां पर। लेकिन डेटा शीट में ऐसा भी हो सकता है कि पहले से भी डेटा हो, इसलिए मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो वही रेंज 65,000 वाला सिस्टम लेके चलेंगे, के 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0, और यहीं पे हम कर देते हैं पेस्ट स्पेशल। अब यहां तक तो ठीक है, तो यहां तक क्या होगा कि जब इसको रन करेंगे तो सारा का सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हो गया सर, हुआ डेटा कॉपी पेस्ट। अब ये तो चलो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हर डेटा में आ गया हेडिंग, जो आप देख पा रहे हैं, जो हेडिंग देख पा रहे हैं, हर डेटा में क्या आ गया? हेडिंग आ गया। मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, मैं एक हेडिंग नॉर्मली यहां से कॉपी करके रख लेता हूं। तो हेडिंग हटाने का दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं हेडिंग कॉपी ही ना करूं, लेकिन फिर इसके लिए हो सकता है कि दिक्कत हो। तो उस केस में हमने हमने एक चीज देखा कि जब हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए सिलेक्ट किया Ctrl A कॉपी, यहां पे पेस्ट कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां जो हमारा हेडिंग है वही सेल एक्टिवेट है। तो यहां पे हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे
एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, तो क्या करेगा, पेस्ट करेगा और उस रो को डिलीट कर देगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग नहीं है, नहीं हेडिंग से गायब हो गए। तो ये क्या हो गया कि अब मैं एक बार क्लिक करूंगा और क्लिक कर दे सारे शीट का डेटा यहां पे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे मुझे कॉपी पेस्ट कर देगा। कर दिया सर। यस अब यहां ये तो चलो ठीक है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि तभी काम करेगा जब मेरा जो डेटा शीट जो आप यहां दिख पा रहे हैं, डेटा शीट मेरा सबसे लास्ट में होगा। अगर मैं इस डेटा शीट को बीच में कहीं रख दिया, जैसे कि मैंने यहां रख दिया, अब ये डेटा नहीं होगा क्योंकि मैंने यहां पे कहीं कोड में ऐसा जिक्र नहीं किया है कि डेटा शीट की डेटा को कॉपी नहीं करना। हमने यहां बोला है कि भाई कॉपी करना है एक से जितना नंबर ऑफ शीट है उससे कम, समझे। तो इससे क्या हुआ कि लास्ट वाली शीट को हमने इग्नोर करने का कुछ दिया हुआ है, तो यहां पे हम अपने कोड को करेंगे चेंज। चेंज करने के बाद यहां पे सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं कि ट्रिम सीट नेम एस एन एज ए, हमने कर दिया स्ट्रिंग, और यहाँ एस एन इक्वल टू शीट्स और शीट्स के अंदर हमने कर दिया आई डॉट नेम। ठीक है, हमने क्या कर दिया, नेम कर दिया। और फिर यहां हम कंडीशन देंगे कि इफ एस एन इज नॉट इक्वल इक्वल टू डेटा, केस सेंसिटिव होता है इसका फर्क रखिएगा, और ऐसा अगर है तो हम यहां पे कर दिए। तो पूरे जो प्रोसीजर था उसको हमने क्या डाल दिया, एंड इफ, हमने डाल दिया इफ कंडीशन के अंदर, हमने सीट का नाम को होल्ड करवा दिया और बोला कि अगर सीट का नाम डेटा नहीं है तो क्या करे, कॉपी ना करे। अब इसको रन कीजिए, रन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे कि डेटा दे दिया और डेटा शीट से इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको एक ऐसे भी किया जा सकता था कि हम यहाँ स्ट्रिंग ना लेते हैं, क्या लेते हैं, स्ट्रिंग ना लेके एज ए वर्क शीट, क्योंकि इस वर्कशीट अभी बताया था ना आपको सर, और एस एन इक्वल टू यहाँ पे सीट कर दिया हमने डॉट नेम ने। अब यहां पे हम करेंगे कि ए सेन डॉट नेम, ओके, और इस सीट्स आई जो हमने दिया है इसके जगह पे क्या हो जाएगा सर, एस एन एशियन डॉट सेलेक्ट, समझे। और यहां पे ए सही है, हाँ ये लाइन सही है सर, आप लोग पीछे की चीज भूल रहे हैं ना। हमने वेरिएबल्स जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस पे वैल्यू स्टोर नहीं असाइन होती है, और असाइन करने के लगाना पड़ता है सेट, समझे। ओके क्लियर है यस आप। सर यस यस अब ये परफेक्ट हुआ। अब मैं इसको यहां से अगर रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये परफेक्टली वर्क करेगा, कर रहा है। अभी नाम यहाँ दिख रहा है लेकिन हट गया, ओ सॉरी, इसका लग रहा है ग्राफिक्स कार्ड डालना पड़ेगा क्या इसमें, ठीक है। ओके या
समझ में आ गया आपको? अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर कल के डेट में इसके डेटा को सेपरेट करने की बात आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि कौन सा डेटा किस सीट से बिलोंग करता है। ओके सर। दूसरा, सारे डेटा का हेडिंग सेम होना चाहिए और सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। पता चला कि किसी डेट किसी में आपको मान लो जून का डेटा नहीं है, तो पता चलेगा कि वो पेश किया तो आपका जुलाई का डेटा मई पे आ गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। या किसी में मान लीजिए कि मार्च पहले है और जैन बाद में है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दो प्रॉब्लम इसमें है। अब दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है हेडिंग को, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके कल बताऊंगा। लेकिन आज आपको क्या करने हैं, यहां लास्ट वाले कॉलम में सीट का नेम आपको डिफाइन करना है, सीट नेम। और यहां पे सबके सीट नेम पे ये डेटा किस सीट से आया है वो डालना है, मतलब कि वो पहले जाएगा पहले नंबर सीट पे, यहाँ पहले नंबर सीट पे जाएगा और पहले नंबर सीट का डेटा कॉपी करेगा, डेटा शीट पे आता है, यहाँ पेस्ट करेगा और ए हेडिंग को करेगा डिलीट, और लास्ट में इस सीट वन से डेटा लेके आया है तो सीट वन को यहाँ डाल दे, और यही क्रम बाकी सारे शीट्स के लिए करेगा। समझे? सबको समझ में आया? तो एक कोड मैं आपको फाइल की फाइल नहीं भेज रहा हूँ, उसकी कोड भेज दे रहा हूँ, क्योंकि कोड से तो आप बना ही लीजिएगा ना, फाइल छोटा सा है, कोई भी फाइल बना लीजिएगा, या आप इसकी कोडिंग मुझे करके भेजिए। समझे? तो हम दोनों बैच को भेज दिए हैं, आप लोग एक बार मुझे करके भेजिए। ठीक है विकास जी, विनोद जी, ठीक है सर। या और हाँ रिकॉर्डिंग सर। सभी आदमी ने किया ही है।